हाँ जी स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशो स्टार्ट। इनफैक्ट हमारी ये फोर्थ क्लास होगी रेशो की, तो फोर्थ क्लास के अंदर रेशो में क्या क्या करेंगे ये देखेंगे। तो आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना है आपने। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बहुत आसान रेशो है आपका। आपको पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या होगा। बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर इसमें से क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का आएगा। तो जैसे कि आपकी इतनी छुट्टियां चल रही हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि आपकी छुट्टी तो है लेकिन यहाँ पढ़ने का कोई ना कोई फायदा तो मिलना चाहिए आपको। तो मैं आपको ऑनलाइन घर बैठे क्लासेस प्रोवाइड करूँगा, और जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं वो सभी बच्चे वो मेरे व्हाट्सएप पे डेली का होमवर्क देंगे कि आपने प्रॉपर सिंसियरली तरीके से नोट किया है। आपको देश के लिए कुछ काम नहीं करना अभी फिलहाल, पहले आपने ये वीडियो अगर देख के पूरा चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया तो वही देश के लिए काम है। तो प्रॉपर तरीके से हम उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक दिन का भी टाइम नहीं मिलेगा आपका। एक पेपर ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हो चुका है और अगले दिन पेपर हो सकता है वहां पे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, हमारा जो प्रॉफिट होता है वो कैसे निकलता है। तो हमारा प्रॉफिट, जैसे फाइनल अकाउंट की मैं बात करूं, तो मैं बैलेंस शीट पे नहीं जाऊंगा, पहले मैं आपको ट्रेडिंग और पीएनएल थोड़ा सा याद दिला दूं। वही प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूं जो आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी किया है और 11th में किया है और सेकेंड ईयर में भी फाइनल अकाउंट किया, लेकिन वो कंपनी का है। मैं ये याद दिला दूं आपको। इधर बाय साइड में आप क्या लिखते थे? बाय साइड में सेल लिखते थे। मान लेते हैं कि सेल्स हमारा 10,000 है, और इस साइड में आप क्या लिखते थे? टू साइड में परचेज, परचेज लिखते थे। मान लेते हैं कि 1,000 है। इसके बाद आप क्या करते थे? जीपी निकालते हैं। आपको याद आ रहा है आप क्या करते थे? यहां पे जीपी निकालते थे, ठीक है? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आ जाता था आपका 9,000। देन आप बाई साइड में 9,000 जीपी के नाम से लिख दोगे। यही किया है आपने अब तक, बिल्कुल ठीक। इसके बाद यहां पे आप कुछ खर्चे दिखाते थे जो कि आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते थे। क्या क्या खर्चे दिखाते थे? सर यहां पे खर्चे दिखाते थे हम, जैसे कि सैलरी, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1,000 रुपये आपने दिखाया। उसके बाद यहां पे फाइनली आपका जो प्रॉफिट आता था वो नेट प्रॉफिट आता था। नेट प्रॉफिट आता था, नेट प्रॉफिट क्या आएगा बताओ आप, जल्दी जल्दी बताओ। रेशो को ध्यान मत दो क्या सीखेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट पे एक बार ध्यान देते, क्या फॉर्मूला है वो सब बाद में देखेंगे। नेट प्रॉफिट आया 8,000। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, क्या इस नेट प्रॉफिट में से टैक्स माइनस है? क्या आपने इसमें से टैक्स माइनस कर दिया? तो जवाब है कि इसमें से अभी टैक्स माइनस नहीं हुआ, क्योंकि टैक्स जब नेट प्रॉफिट निकलता है उसके बाद माइनस होता है। अगर मैं टैक्स की बात करूं तो मान लेते हैं कि मैं टैक्स मानता हूं 30%। अगर 30% मैं टैक्स की बात करूं तो इस नेट प्रॉफिट पे, जो हमारा नेट प्रॉफिट है 8,000, इसके ऊपर अगर मैं 30% निकालता हूं तो बताओ क्या होगा 30%? जल्दी बताओ फटाफट क्या होगा 30%? तो 30% हमारा होगा यहां पे 2,400। टैक्स निकालने के बाद, माइनस करने के बाद बताओ क्या होगा? बताओ तो 5,600। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। तो हम इसके अंदर जब हम टैक्स माइनस कर देंगे तो ये वाला जो प्रॉफिट है इसको बोलेंगे हम नेट प्रॉफिट। सर अगर ये नेट प्रॉफिट है तो ये क्या है? ये भी नेट प्रॉफिट है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? ये नेट प्रॉफिट जो है वो टैक्स को माइनस करने के बाद है। इसमें से मैंने टैक्स माइनस कर दिया है तो टैक्स को माइनस करने के बाद है, तो इस नेट प्रॉफिट को बाद है, तो बाद को क्या कहते हैं? आफ्टर। तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर है और इसमें टैक्स माइनस करने से पहले है, तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहेंगे और ये नेट प्रॉफिट कहेंगे बिफोर टैक्स। इसका बहुत महत्व है
और ये समझना है, कई बार आप इस चीजों को इग्नोर कर देते हो, है बहुत सी छोटी चीज, लेकिन आपके पूरे नंबर जीरो करने में बहुत बड़ी हाथ भूमिका होगी इसकी, अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखते तो हम इसके अंदर कुछ रेशियो ऐसा निकालेंगे जिसमें इस प्रॉफिट को सेल्स का रिलेशन बताएंगे, इस प्रॉफिट का सेल्स से रिलेशन, कुछ रेशो वो भी सीखेंगे जो इस प्रॉफिट और इस सेल्स का रिलेशन बताएंगे। रिलेशन का मतलब इस सेल्स का कितने परसेंट ये है, ये सेल्स का कितने परसेंट ये है। कुछ फॉर्मूले अगर मैं जैसे सपोज करो, मैं बोलता हूं कि आपको निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशो, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो समझ में आ गया, लेकिन इसके डिवाइड में क्या रखें, तो हमेशा सेल से डिपेंड होगा हमारा जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। तो मैक्सिमम केस में चाहे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो, नेट प्रॉफिट रेशियो हो, तो सेल्स, तो हमें जो निकालना है, अगर मैं बोलूं तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐसे निकलेगा और ये निकलेगा हमारा बिफोर टैक्स। तो कुछ हमारे क्वेश्चन होंगे बिफोर टैक्स के अकॉर्डिंग और कुछ क्वेश्चन होंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अकॉर्डिंग। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये समझ में आया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए नोट करते रहना है आपने, नोटिंग के लिए आपको प्रॉपर टाइम भी दूंगा, क्योंकि ये जो मैं यहां पे कर रहा हूं, ये तो मैं कर रहा हूं, ये तो मेरे लिए एसेट्स हैं, लेकिन आपको नोट करना है। जब तक नोट नहीं करोगे तो आपने एसेट्स ही नहीं बनाए, तो क्या फायदा, पेपर में कुछ भी याद नहीं रहने वाला। तो नोट आपने प्रॉपर तरीके से करने हैं। देखिए हम इस प्रॉफिट एंड लॉस को एक स्टेटमेंट फॉर्म में भी बता सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहां लिखा सेल्स, सेल्स मेरे पास है 10 लाख रुपए का, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं 2 लाख रुपए का, तो इसमें से फिर से माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा मेरा यहां पे। फिक्स कॉस्ट जो होगा ये एक्सक्लूड होगा इंटरेस्ट, यहां पे इंटरेस्ट है नहीं, ये ध्यान रखना आप, यहां एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है फिक्स कॉस्ट, ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इस बात को आपको ध्यान रखना है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। अच्छा, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, बिल्कुल सही। बचे कितने आपके, 8 लाख। इस 8 लाख को एक नया नाम देने वाले हैं, इस 8 लाख रुपए का नामकरण करेंगे, तो 8 लाख रुपए का न्यू नेम क्या होगा, इसको बोलेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर, बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या इसको और कुछ बोल सकते हैं, बिल्कुल, अर्निंग, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या सर इसका शॉर्ट फॉर्म भी है कुछ, बिल्कुल, इसको पी हो आप, और मैं इनफैक्ट यही बोलूंगा, और इसको ई बी आई टी, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम, दोनों का मतलब हमारा क्या है, सेम है, कोई फर्क नहीं है इसमें। अच्छा सर फिक्स कॉस्ट तो माइनस ही नहीं किया, अच्छा ये फिक्स कॉस्ट रह गया, चलो मान लेते हैं 1 लाख, कितने बचे, 7 लाख। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक, सेल्स में से जब हम वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट माइनस करते हैं, उसे बोलते हैं पीबीआईटी या ईबीआईटी। अब क्या काम है, अब का क्या काम है, अब हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। अब क्या माइनस करेंगे, अब माइनस करेंगे इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट किस पे होगा, ये हो सकता है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऊपर। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होता है सर, लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपका हो सकता है डिबेंचर, हो सकता है आपका बैंक से लोन, हो सकता है आपका जो भी 1 साल से ज्यादा के लिए आपने लोन लिया होगा, वो सारा का सारा कवर्ड करेंगे। मान लेते हैं कि आपको कैसे करना है, मैंने बोला 10% डिबेंचर ₹10 लाख, 10% डिबेंचर ₹10 लाख, अब बताइए इंटरेस्ट क्या आएगा। तो ये 10% का मतलब है कि इसके ऊपर इतना ब्याज देना है, तो जो इंटरेस्ट निकलेगा आपका, वो इंटरेस्ट निकलेगा 10 लाख रुपए पे मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 100, यानी 1 लाख। तो यही एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख, अच्छा 1 लाख रुपए। अब क्या बचा हमारा माइनस करने के बाद, अब बचा हमारा 6 लाख। चलिए ठीक है, 6 लाख, क्या इसका भी कोई नेम है, बिल्कुल हर एक स्टेप पे नेम आएगा,
इसको बोलेंगे ई अर्निंग बिफोर टैक्स। यहां से आई हट गया, आई हट गया यहां से। क्यों हट गया आई? क्योंकि इंटरेस्ट हमने माइनस कर दिया। अब इसमें से माइनस करते हैं हम, क्या माइनस करना है अब हमें? अब और माइनस करेंगे हम टैक्स, टैक्स टैक्स हमें ऊपर लगाएंगे। सपोज करो हमारा टैक्स क्या है, 50% है, तो इस 6 लाख का 50% आपने निकालना है। इस 6 लाख का 50% क्या होगा? 3 लाख। अच्छा, इसको भी माइनस कर दिया। अब इसको माइनस जो करोगे वो बचा आपका 3 लाख। ये होगा हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये बी को ए लिख दिया मैंने, या फिर आप लिख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट। ये 3 लाख रुपए जो है ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद नॉर्मली हम माइनस करते हैं हम प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, शेयर डिविडेंड। ये क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपको निकालने का आसान तरीका आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे कि मान लेते हैं मैंने बोला 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹5 लाख, ₹5 लाख, ठीक है, ₹5 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 5 लाख रुपए पे 9% के हिसाब से डिविडेंड देने हैं। बहुत रेयर मिलेगा आपको क्वेश्चन में, लेकिन आपको इसे पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर दे सकता है। परसेंट निकालोगे तो 45,000। सर इसके बाद क्या आएगा? ये आएगा अर्निंग, अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर। ये सारा का सारा पैसा मालिक का है, ये सारा का सारा पैसा मालिक का है। कितने बचेंगे? 2,55,000 रुपए। ये सारा पैसा मालिक का है। अब मालिक की मर्जी है कि इस पैसे में से वो क्या करे, या तो अपने घर ले जाए। मान लो मालिक की बात करें तो कौन मालिक होगा हमारा? शेयर होल्डर होगा। सपोज करो शेयर होल्डर है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इस पैसे को अपने घर ले जाए। जो अगर ये सारा शेयर होल्डर बोलता है कि हम इसे लेके जाएंगे, इस पे अगर हमारा अधिकार है तो हम लेके जाएंगे, तो इसको बोलेंगे डिविडेंड। अगर 2,55,000 रुपए शेयर होल्डर लेके जाता है तो हमारा डिविडेंड क्या होगा? पूरे 2,55,000। लेकिन अगर देखा जाए कि हमें सारा पैसा नहीं चाहिए, हमारे घर में अभी बहुत पैसा है, अभी सारा पैसा नहीं चाहिए, कुछ पैसे हम कंपनी की प्रोग्रेस पे छोड़ देते हैं, कुछ पैसे रख लेते हैं, बस हमें ज्यादा पैसे मत दो, हमें सिर्फ 1 लाख रुपए दो, इसमें से 1 लाख रुपए दो, ज्यादा नहीं चाहिए, तो इस 1 लाख को बोलते हैं डिविडेंड। इस 1 लाख को बोल इस 1 लाख को बोलेंगे क्या? डिविडेंड बोलेंगे, ठीक है। नहीं दिख रहा है यहां तक डिविडेंड? अब दिख रहा है? इस 1 लाख को क्या बोलेंगे हम? डिविडेंड। और बाकी के जो बच गए, सर बाकी कौन से बचे? 1 लाख ही तो लेके गया है, बाकी तो बची गए ना 1,55,000। 1,55,000 ये किस लिए है? ये कंपनी ने बचा लिए, ये कंपनी के पास बच गए, बच गए, बच गए मतलब रिटेन कर लिए। रिटेन क्या? रिटेन करा अपना प्रॉफिट, तो इसे बोलेंगे रिटेन अर्निंग, रिटेन। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले देखा जाए तो सेल्स, सेल्स में से वेरिएबल फिक्स माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर अगला स्टेप होता है हमारा इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या आएगा, वो आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद अगर हम टैक्स माइनस कर दें तो आफ्टर टैक्स। अब इसके अंदर किसका पैसा है? ये 3 लाख मालिक का ही है, लेकिन दो लोगों का होता है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर का और इक्विटी शेयर होल्डर का।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर कभी मना नहीं करते कि हमें नहीं चाहिए, उनका तो इनफैक्ट रेट फिक्स होता है कि उन्हें इतना ही मिलेगा। तो इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हम डिविडेंड माइनस करेंगे। जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस करेंगे तो अब बचेगा हमारा किसका पैसा, सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर का। तो इक्विटी शेयर होल्डर की मर्जी है कि उसे लेके जाए या ना लेके जाए, आता है तो उसको क्या नाम बोलते हैं, डिविडेंड। अगर इक्विटी शेयर होल्डर बोलता है कि चलो हम कुछ पैसे को छोड़ देते हैं कंपनी एक्सपेंशन पे, यानी कंपनी अपना भला करो और थोड़े से पैसे आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, तो जो पैसे कंपनी के लिए छोड़ देगा उसको क्या बोलेंगे, रिटेन अर्निंग। दिख रहा है आपको यहां तक, इसको क्या बोलेंगे, रिटेन अर्निंग। जो पैसे कंपनी छोड़ देगी उसको क्या बोलेंगे हम, रिटेन अर्निंग। ठीक है, जो पैसे कंपनी छोड़ेगी उसको बोलेंगे रिटेन अर्निंग, और जो पैसे लेके जाएगा शेयर होल्डर उसको बोलेंगे डिविडेंड। इस सब का अभी तक मैंने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टार्ट नहीं किया, बस मैं आपको पुरानी 12th के बिजनेस स्टडी की बात कर रहा था। मैं थोड़ी सी पुरानी बातों को याद दिला रहा हूं कि इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नाम का भी कोई चीज है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी कोई पॉइंट होता है, सिर्फ आपको याद दिला रहा था मैं। चलो अब मैं एक पॉइंट पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर मैं आपको ये दे दूं, अगर मैं आपको दे देता हूं, सपोज करो मैं दे देता हूं अर्निंग आफ्टर टैक्स, मैंने ये दे दिया 3 लाख। अब 3 लाख मैंने अगर आपको दे दिया, स्टेज ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको 3 लाख दे देता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आप ये निकालिए, सर 3 लाख के बाद मैंने बोल दिया ना आपको कि टैक्स 50% है, तो अगर मैं आफ्टर टैक्स देता हूं तो क्या बिफोर टैक्स बना सकते हो? बिल्कुल आसान है, 50% टैक्स है तो कितना टैक्स रहा होगा, कैसे निकालेंगे, यहां पे टैक्स रहेगा हमारा 3 लाख डिवाइडेड बाई 50% इंटू में 100। 50% का मतलब हमारा कि ये 50% के बराबर है 3 लाख, क्योंकि इसमें से तो माइनस ही हो गया है, क्योंकि आपका जो ये 3 लाख है, आप बताओ इसमें से 3 लाख में से क्या टैक्स माइनस हुआ या नहीं हुआ, कितने परसेंट टैक्स माइनस हुआ, 50%। तो इस 3 लाख पे, 3 लाख पे हम डिवाइडेड बाई ये 50% के बराबर है इनटू में 100, तो डायरेक्टली हम यहां पहुंच जाएंगे जो आएगा 6 लाख। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 लाख क्या होगा, हमारा टैक्स होगा। देखो हम किस पे पहुंच गए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब अगर मैं इसमें इंटरेस्ट जोड़ दूं 1 लाख रुपए जो मुझे पता है, तो मैं वापस आ जाऊंगा 7 लाख पे। तो कई बार एग्जामिनर आपको रेशो के अंदर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स की जरूरत होगी, लेकिन आपको एग्जामिनर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देगा, तो उसको रिवर्स करके भी आप यहां पे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। इसको नोट करिए, फटाफट से नोट करिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब हम पहले रेशो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट रेशो क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हम क्या देखने वाले हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड रखता है, फॉर्मूला क्या कहता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स इनटू में 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। सर यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स माइनस। और सर सेल्स क्या है यहां पे, सेल्स, सेल्स, सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और सेल्स को एक और वर्ड से बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका एक और नाम है सेल्स का, रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन, याद रखना है आपको नेम, क्योंकि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हम सेल को सेल नहीं लिखते हैं। जब हम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो लिखते हैं इसको सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर क्या इसका भी नाम है? बिल्कुल, इसका भी नाम है। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। हाँ जी सर, फिर सीओजीएस क्या है? सीओजीएस होता है, सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब सर यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस और परचेज क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू वेजेस, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, अगर कैरेज आउटवर्ड है तो यहां नहीं आएगा, ध्यान रखना है, कैरेज इनवर्ड हिटिंग और ऑक्ट्री, और क्या हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस में? आपका कैरेज हो गया, हिटिंग हो गया, कार्टेज भी बोल सकते हो, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। सर ओपनिंग परचेज क्या होगा? परचेज कैश परचेज, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, परचेज माइनस, माइनस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है। क्या और फॉर्मूला भी है सीओजीएस का? बिल्कुल, और सीओजीएस इज इक्वल टू परचेज प्लस या माइनस चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कह लो, या फिर इन्वेंट्री कह लो, ये भी क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है? बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस भी रहेगा। क्या चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है? चेंज इन स्टॉक क्या होता है? इसको भी लिखते हैं सी, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आप ध्यान से यहां पे देखेंगे तो जो हमारा ये ओपनिंग और क्लोजिंग माइनस हुआ है, आप ध्यान से देखो जो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिखा है, ये हमारा ओपनिंग है और अल्टीमेटली यहां माइनस कर दिया, तो आपको अल्टीमेटली यहां पे ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस ही करना है। इसलिए कई बार एग्जामिनर आपके साथ क्या बोल सकता है, आपको क्वेश्चन में क्या दे सकता है, वो बोल सकता है चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी इसका और इसका माइनस करके होता है, तो बस इसको जोड़ो और इसके अंदर ऐड करो। कई बार अगर मान लो ये ₹10 है ओपनिंग और ये 12 है तो नेगेटिव में आएगा, तो आपने यहां मैंने प्लस माइनस लगाया है तो नेगेटिव करना है। कई बार क्लोजिंग हो सकता है 8 है तो पॉजिटिव होगा, तो यहां पे आपको प्लस करना है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की मैं बात कर रहा था, तो ग्रॉस प्रॉफिट का क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस में सीओजीएस। सेल्स कैसे निकलेगा? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सीओजीएस कैसे निकलेगा हमारा? हमारा सीओजीएस होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। बेसिकली सीओजीएस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कि जो आपने सामान बेचा है वो आपको कितने का पड़ा है। अच्छा, जो सामान बेचा है वो कितने का पड़ा है? जैसे कि मान लो मैं 4 मार्कर खरीद के लाया, मैं, मेरा एक स्टेशनरी शॉप है, मैं इस 4 मार्कर को खरीद के लाया, ये मार्कर ₹10 कितने के हो गए? टोटल ₹40 के। इसमें से एक मार्कर मैंने ₹15 में बेच दिया, तो मेरा कॉस्ट कितना है? कॉस्ट 40 थोड़ी ना है, एक मार्कर जो बेचा है उसका कीमत, यानी जो सामान मैं बेच रहा हूं उसका कॉस्ट क्या है?
तो इसका कॉस्ट 10 रुपए है। तो इसी को तो बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसलिए तो हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके सिर्फ वही स्टॉक यहाँ पे निकलता है जो कि बेचा जा रहा है, उसकी कीमत क्या है। ठीक है, ये तो जब था जब आपको इस तरीके से गिवन हो। कई बार ग्रॉस प्रॉफिट आपको परसेंटेज के पॉइंट्स में भी दे सकता है, तो पहले एक बार आप इसको अच्छे से नोट करें, एकदम साफ साफ नोट करना है। नोटिंग नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, वो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। तो पहले आपको ये अच्छे से साफ साफ नोट करना है, पहले आप नोट करिए। नोट करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से निकाला जाए। तो फटाफट एक बार आप इसको नोट करिए, ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाएगा। जल्दी जल्दी नोट करिए। हाँ जी, कर लिया नोट। जैसा कि मैंने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका है। कौन सा तरीका है वो? आपको जब ग्रॉस प्रॉफिट गिवन हो इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आपको याद रखना है परसेंटेज। कई बार क्या हो सकता है आपको, आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज हो, तो सर ये जो आंसर निकालेंगे ये भी तो परसेंटेज में निकलेगा। तो एग्जामिनर ऐसा क्यों करेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दे दे और जीपी रेशो पूछ ले? ऐसा तो कर नहीं सकता एग्जामिनर। आपको देगा वो कॉस्ट। सपोज करो कॉस्ट दिया उसने 100 रुपीज का और ग्रॉस प्रॉफिट कहता है ऑन, या फिर आपको सपोज करते हैं कि आपको दे दिया उसने सेल्स, ठीक है, 100 रुपए, और ग्रॉस प्रॉफिट कहता है जीपी ऑन कॉस्ट। जीपी ऑन यानी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि हम यही तो निकालना है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यही तो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया, मान लेते हैं कि दिया उसने 25%। तो इसके शॉर्टकट तरीके भी हैं और लॉन्ग कट से भी। पहले मैं इक्वेशन बना के समझा देता हूँ कि ज्यादा समझ में आएगा, तो उसके बाद आप इजीली कर पाओगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, चले आगे। बिल्कुल, देखिए सेल्स का अगर मैं बोलूँ तो सेल्स क्या होता है? सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट, ये लिखा है ना, आप इसको सेल्स को और इधर कर सकते हो। इसके बाद सेल्स आपका 100 है, कॉस्ट को एक्स मान लीजिए, जीपी किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर, तो एक्स प्लस में 4 हो जाएगा। कैसे आया 4 पता चला ना? कैसे आया 4? यानी 25% क्या होता है? 1/4 होता है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो एक्स बाई फोर यानी, हाँ जी, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या आ जाएगा हमारे ये 5x/4 इजिकल टू 100, मल्टीप्लाई करिए 400 इजिकल टू 5x। एक्स की वैल्यू क्या आ गया? 400 डिवाइडेड बाय 5, यानी आपका एक्स का वैल्यू यहां पर निकालोगे तो एक्स इजिकल टू 80। आपको 80 दे रखा है यहां पे, ये एक्स क्या माना था हमने, लेट क्या करा था, ये कॉस्ट माना था, तो कॉस्ट 80 आया है आपका। तो कॉस्ट आपको पता चली गया, सेल्स आपको पता चली गया, तो जीपी निकाल सकते हो ना, इजीली निकाल सकते हो ना। जीपी सेल्स माइनस में कॉस्ट, जीपी 20 रुपए आ गया। अब 20 रुपए डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, वैसे तो डायरेक्टली आपको पता चल रहा है जीपी 20 है तो 20% है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और कई बार तो मैं हर बच्चों को बताता हूं चेक करने का तरीका क्या है, जब आपका सिचुएशन अलग हो। अगर मैं सेल्स दूं और जीपी ऑन सेल्स दूं तब तो क्वेश्चन ही नहीं बना, तब तो डायरेक्ट निकालोगे, ये एक्स वैक्स का कोई चक्कर में नहीं पड़ना, इन फंदे में नहीं पड़ना आपने। मान लेते हैं कि आपको सेल्स पे परसेंटेज और जीपी पे, और यही एग्जाम कॉस्ट पे परसेंटेज, और एग्जामिनर मैक्सिमम केसेस में यही देता है, वो मैं लिख देता हूं। सेल्स पे 16.66 यानी 1/6, इस पे होता है हमारा 20%, इस पे 20%, इस पे 25%, इस पे 25%, इस पे 33.33%, इस पे 33.33%, इस पे 50%। जैसे मैंने बोला कि सेल्स पता है ना आपको,
कॉस्ट पे 20% है, तो कॉस्ट सॉरी कॉस्ट पे 25 है, तो कॉस्ट पे 25 है तो सेल्स पे कितना होगा 20। सिंपल, हमें इतने करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा आंसर दे देते हैं वहां पे। लेकिन आपको ऐसे सिंपल नहीं करना, आपने पूरे स्टेप से फॉलो करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स, इन दोनों का रिलेशन बताना है इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो हम इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, एक बार सारे फॉर्मूले को समझ लें फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? या एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, चलिए पहले सारा हम कर लेते हैं, इसके बाद फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? अच्छा, और अगला इशू कौन सा होगा? नोट कर लिया आपने? नहीं करा तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो, उसमें कोई समस्या है नहीं। नंबर टू, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो सर ये कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला देखो पहले, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। आप मुझे बताइए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को और क्या कहते हैं? सर और कहते हैं PAT। क्या और कुछ भी कहते हैं? हाँ सर, कहते हैं EAT। EAT बिल्कुल ठीक। सेल्स कैसे निकालेंगे? अभी आपने नोट करा, वही लिखना है रजिस्टर में। नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस में, माइनस प्लस में इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को कर दें, और टैक्स हुआ तो टैक्स तो हम उसमें से माइनस कर देंगे बाद में। इसको करने के बाद हमें क्या करना होगा? लेस टैक्स, ये होगा हमारा। दूसरा कोई तरीका नहीं है बिल्कुल। आपको नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर आपको COGS दे दे तो क्या करोगे? COGS सेल्स माइनस COGS माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैं आपको बस उलझा रहा हूं इसी में कि यही फॉर्मूला है जो हमने स्टार्टिंग में P&L बनाया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बस समझने की बात है, प्लस इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो कि कहाँ आएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सा एक्सपेंस आएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है? सर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है? जैसे कि, जैसे सैलरी, जैसे कि आपका सैलरी के बाद बात करें तो इंटरेस्ट, जैसे कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद अगली हम बात करते हैं और क्या होगा? स्टेशनरी एंड एक्सेट्रा, जो P&L में आते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके हैं। इनडायरेक्ट इनकम में क्या है? क्या इसके अंदर लॉस बाय फायर भी होगा? बिल्कुल। क्या लॉस बाय थेफ्ट होगा? बिल्कुल। इनडायरेक्ट इनकम में डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव और क्या होगा? डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, और क्या हो सकता है? रेंट रिसीव एंड एक्सेट्रा, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है? सेल्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बीच में क्या रिलेशन है इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये हमें नेट प्रॉफिट रेशियो बताएगा। तो एक हमने अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखा,
अब क्या देखा आपने, नेट प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद एक और रेशियो देखेंगे हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट क्या होते हैं इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम इस तरीके से करेंगे कि कभी लाइफ में कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो आप फटाफट पहले एक बार इसको नोट करिए, फिर अगले सारे पहले हम रेशियो कर लेते हैं। एक रजिस्टर पे आपके सारे फॉर्मूले होंगे, उससे फायदा मिलेगा। सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम क्या करेंगे, फटाफट करते जाएंगे। तो आपने फटाफट से इसको एक बार क्या करना है, नोट करना है, जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नोट जरूर करना है आपने, अगर नोट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि घर पे बैठ के आप पढ़ सकते हो। मुझे तो तब भी 1 घंटे की क्लास लेनी थी और मैं अभी पढ़ा ही रहा हूँ एक तरीके से। तो घर पे बैठ के आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये मतलब नहीं है कि आप घर पे बैठे थे, आपने ट्यूशन नहीं लिया, उसको तो बस आपको अगली डेट बताना है और एग्जाम में जाके आपको एग्जाम देना है। आप इन चक्करों में मत पड़ो कि 20 दिन का लॉकडाउन हो गया, 2 महीने का, इनसे मतलब ही नहीं है। ये तो बोलो कि आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप कहीं घूम भी नहीं सकते और घर पे बैठ के अच्छे से तैयारी करना है। बस आपका जो टारगेट है, जिसके लिए आपको पेरेंट्स जिसके लिए भेज रहे हैं, जिसके लिए आपके पेरेंट्स पैसे खर्च कर रहे हैं, आपने वही काम करना है, अपने लक्ष्य पे डटे रहना है। हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो व्हाट्सएप से अच्छा है कि आप जो मैं वीडियो सेंड करता रहूंगा इसको देखिए, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। कर लिया नोट? जिसने नोट नहीं किया, जिसने नोट नहीं किया वो अपने नंबर शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जब मार्क्स आपके आएंगे रिजल्ट के बाद, तो देखना आपके नंबर कम मिलेंगे। तो मैं पहले ही बता देता हूं आपको, नोटिंग करना ही करना है, नहीं नोट करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। चलिए अगला रेशो, थर्ड। एक होता है हमारा ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग 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 रेशो। सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो है, कई बार इसे ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू में 100। चलिए COGS अभी आपने समझ लिया, इसे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो सिंपल तरीके से समझना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और क्या नहीं है। अगर मैं ऑपरेटिंग के बात करूं तो वो खर्चा जो बिजनेस चलाने चलाने के लिए लिए जरूरी है। सिंपल, जैसे मैं कुछ खर्चे बोलता हूं, आपको मेरे साथ बोलना है, अभी नहीं बोलना, पहले मैं कुछ खर्चे लिख लूं, जैसे रेंट, जैसे इंटरेस्ट, जैसे लॉस बाय फायर, जैसे स्टेशनरी, जैसे सैलरी। चलिए आप सभी को मेरे साथ बोलना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मैं बिजनेस करता हूं तो ये खर्चा होगा, मैं बिजनेस करूंगा तो ये खर्चा होगा। आप सबको बोलना है कि मैं बिजनेस करूंगा तो ये खर्चा खर्चा मैं बताऊंगा। मैंने बोला कि मैं बिजनेस करूंगा तो मेरा रेंट खर्चा होगा,
अब मैं बोलता हूं मैं बिजनेस करूंगा तो मुझे ब्याज देना होगा, क्या कहीं से लग रहा है? मैं बिजनेस करूंगा तो मुझे ब्याज देना होगा? नहीं, मैं बिजनेस करूंगा तो लॉस बाय फायर, मेरे दुकान में आग लग जाएगा, क्या लग रहा है कि आपको ऐसा होना चाहिए? मैं बिजनेस करूंगा तो मेरा स्टेशनरी यूज होगा, मैं बिजनेस करूंगा तो मुझे सैलरी देना पड़ेगा, मैं बिजनेस करूंगा तो अर्थक्वेक से मेरा दुकान में नुकसान हो जाएगा, तो कहीं लग रहा है? तो आप खुद सोचो कि आपको जो बिल्कुल लग रहा है, मैं तो लिख दूंगा, लेकिन आपको पता भी चलना चाहिए कि जब आप बिजनेस करोगे तो वो खर्चे मैंडेटरी है। मैं बिजनेस करूंगा तो मेरा सामान चोरी हो जाएगा, कहीं से भी ये सेंटेंस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। सेंटेंस बनाना है, मैं बिजनेस करूंगा तो रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। मैं बिजनेस करूंगा तो क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं सर, इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए। मैं बिजनेस करूंगा तो लॉस बाय फायर होगा, दुकान में क्या आग लगेगी? नहीं होगा। मैं बिजनेस करूंगा स्टेशनरी का खर्चा होगा, बिल्कुल सही। मैं बिजनेस करूंगा सैलरी का खर्चा होगा, बिल्कुल सही। मैं बिजनेस करूंगा तो लॉस बाय थेफ्ट होगा, क्या हो सकता है? नहीं। तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होता है जो बिजनेस करने के लिए जरूरी है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होता है जो कि बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं है। तो मैं टोटल एक्सपेंस की अगर बात करूं तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जब मिला दिया जाए तो टोटल एक्सपेंस बनेगा। तो अब क्या आप बता सकते हो? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मैं बिजनेस करूंगा तो टेलीफोन के खर्चे होंगे, बिल्कुल सही है। मैं बिजनेस करूंगा तो सामान चोरी हो जाएगा, क्या लग रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस है सामान चोरी होना? मैं बिजनेस करूंगा तो सामान चोरी हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको? नहीं लग रहा, तो यानी ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है हमारा, उसको देखते हैं। तो सिंपल आपको याद रखना है कि वो खर्चा जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है। चलिए, तो होता है टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हाँ जी सर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा हमारे सारे के सारे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, क्योंकि देखो जब हम सीओजीएस निकालते हैं तो आप एक बात बताना, सीओजीएस का क्या फॉर्मूला होता है? सर सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज प्लस डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या सर डायरेक्ट एक्सपेंस भी इसमें जुड़ता है? बिल्कुल, ये डायरेक्ट एक्सपेंस इसी में ऐड कर दिया जाता है। तो यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैं जोड़ रहा हूं, तो क्या ऑपरेटिंग डायरेक्ट एक्सपेंस होगा इनडायरेक्ट होगा? एक बच्चे ने बोला सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों। तो डायरेक्ट एक्सपेंस अगर इसमें पहले से जुड़ा हुआ है तो अगर एक बार और जोड़ दूंगा तो डबल नहीं जुड़ जाएगा? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा कौन से? सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट, ये चीज आपको याद रखना है, ये पॉइंट रिमाइंड रखना है। इज इक्वल टू क्या होता है? स्टेशनरी, और क्या होगा? सैलरी, और क्या होगा? बहुत सारे खर्चे हैं, लिखते लिखते थक जाओगे लेकिन खर्चे खत्म नहीं होंगे। रेंट, और क्या होगा? कमीशन, डिस्काउंट एक्सेट्रा। सर आप नॉन ऑपरेटिंग बता दो, ठीक है नॉन ऑपरेटिंग। अब सही क्वेश्चन आपने पूछा, नॉन ऑपरेटिंग अगर हम आपको बता दें तो आप इजीली पहचान सकते हो। इंटरेस्ट, अच्छा लॉस बाय फायर, अच्छा लॉस बाय थेफ्ट, ये खर्चे वो खर्चे हैं जो कि बेसिकली आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर आपको टोटल एक्सपेंस दिया जाता है, इनडायरेक्ट वाले सिर्फ टोटल, टोटल का मतलब मेरा इनडायरेक्ट से है, इनडायरेक्ट वाले टोटल, तो आप टोटल एक्सपेंस में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा सर, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस
टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस माइनस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रॉस प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो तो ऑपरेटिंग, चलो ठीक है, ये यहां तक आपको समझ में आया, वो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में देखेंगे। दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा क्या होगा ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग रेशियो होगा। देखो दोनों में फर्क है, ये है ऑपरेटिंग रेशियो और ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अलग है इसमें प्रॉफिट रेशियो। इसको कई बार ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोल देते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोल देते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, सीओजीएस प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू में 100। टोटल एक्सपेंस क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होंगे, जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है, सैलरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, रेंट हो गया, ऑडिट फीस हो गया, अकाउंटेंट की सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सारे के सारे। लेकिन इनडायरेक्ट होंगे, क्यों इनडायरेक्ट होंगे बता सकते हो क्या, इसलिए इनडायरेक्ट होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी किस में जुड़ा हुआ है, वो सीओजीएस में जुड़ा हुआ है। इसलिए कौन से एक्सपेंस जुड़े हुए हैं सीओजीएस में, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसलिए यहां पे कौन से लेने हैं आपने, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है, याद रखना है। इसको मैं लाल कर देता हूं, इसको मैं लाल कर देता हूं रेड मार्कर से, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होंगे, जितने भी बिजनेस के हमारा, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे इंटरेस्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वो खर्चे जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी नहीं है। मान लो मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं, लॉस ऑन फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स लिख देते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। मैं बिजनेस करूंगा तो मेरा नुकसान होगा फर्नीचर को बेचने पे, कहीं से ये सेंटेंस सूट हो रहा है क्या, कि जब मैं बिजनेस करूंगा तो फर्नीचर क्यों बेचूंगा और उस पर नुकसान होगा तो मैं बिजनेस ही क्यों करूंगा। तो यहां पे क्या हो सकता है, और लॉस ऑन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स। तो आपको ये बातें ध्यान रखना है, जैसे मैं बिजनेस करूंगा तो मेरा मोबाइल फोन जो है वो खो जाएगा जिससे मेरा नुकसान होगा, तो क्या बताओ कहीं से लग रहा है, कहीं से लग रहा है बताओ कि ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नहीं लग रहा ना, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो सिंपल वर्ड में दूसरा मैंने बताया ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होगा, आपका टोटल एक्सपेंस में से माइनस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग रेशियो। समझ में आया आपको, फॉर्मूला सिर्फ आपको अभी समझना है, और लिखोगे जब तक नहीं तो समझ में कभी नहीं आएगा। तो आप इसे लिखिए, फिर हम अगले फॉर्मूले को, पहले सारे फॉर्मूले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के कर लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन एक लाइन से करेंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन आप ईमानदारी से नोट करोगे तब समस्या नहीं आएगी, फटाफट से नोट करिए, स्क्रीनशॉट नहीं लेना आपने, नोट करना है इसको, जल्दी जल्दी नोट करिए। कर लिया नोट, जल्दी से नोट करिए। हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया आपने, जी सर नोट कर लिया। चलिए इसको मैं मिटा नहीं रहा क्योंकि एक और फॉर्मूला कंपैरिजन करने के लिए मुझे चाहिए होगा, ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट मैं लिखने जा रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखो दोनों में ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग होता है ना, तो बच्चे इतने चालाक होते हैं वो मैच करने की कोशिश करते हैं, ऑपरेटिंग से ऑपरेटिंग मिल गया, बाकी बाद में क्या लिखा हो हमें कोई मतलब नहीं है।
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला है? इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू में 100। सर सब में इनटू 100, हाँ जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है सब में 100 आएगा, परसेंटेज में निकलेगा सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से। वो कौन कौन से तरीके होंगे? एक तो जीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपको जीपी दे, और एक नेट प्रॉफिट दे। एक निकाल सकते हो आप जब आपको गिवन हो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, बिल्कुल सर। और एक निकाल सकते हो गिवन हो जब आपको नेट प्रॉफिट। दोनों में थोड़ा सा मैं, बाकी आप तो समझ में तो आ ही जाएगा, मतलब एक ही है, लेकिन कई बार दो दे देते हैं तो बच्चा थोड़ा सा ना परेशान हो जाता है, और जब बच्चे परेशान हो जाते हैं तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है फिर, तो इसलिए मैंने थोड़ा अलग अलग कर दिया, उसकी चिंता ना करो आप बिल्कुल भी, ठीक है? हाँ सर चलो। ग्रॉस प्रॉफिट के केस में कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताया तो था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताया था ना मैंने, वही रहेगा। सैलरी वेजेस यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो नहीं होगा वो होगा, तो ये बस हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन अगर हमारा हुआ नेट प्रॉफिट गिवन, तो नेट प्रॉफिट के केस में, नेट प्रॉफिट के केस में यहां से लिखते हैं, वहां जगह नहीं है, यहां से लिखते हैं ऑपरेटिंग रेट प्रॉफिट। ओहो, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आपको दे रखा होगा, और हमेशा याद रखना ये नेट प्रॉफिट जो होता है सब ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सारे कचरा वचरा जितने भी हमारे एक्सपेंस सारे माइनस मूनस प्लस करके, तो हम इसमें क्या करेंगे माइनस, इसमें उस इनकम को माइनस करो जो कि हमारे बिजनेस का है ही नहीं, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा सर, प्लस, प्लस कर दो वापस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सा होगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सा होगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनकम जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी नहीं है, जैसे डिविडेंड। और सर डिविडेंड के बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये सारी चीजें क्या है हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी जो हमारे बिजनेस का नहीं है। मैं पैसे कमाऊंगा, जैसे खर्चे का देखा था ना, मैं मेरे बिजनेस का खर्चा होगा अगर सैलरी दूंगा, अगर मैं सैलरी दूंगा, अगर बिजनेस हमारा चलेगा तो हमारा सैलरी बिजनेस का खर्चा है, अगर मैं बिजनेस करूंगा तो रेंट बिजनेस का खर्चा है, सेम इनकम। अगर मैं बिजनेस करूंगा तो सेल से इनकम आएगा, अगर मैं बिजनेस करूंगा तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आएगा, तो ये हमारा कहीं से मैच नहीं हो रहा सेंटेंस में, तो ये हमारा है नहीं। सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या है, इंटरेस्ट है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, अगर लॉस बाय फायर है तो वो भी आपने मानना है, नोट देना है, वी अज्यूम, ठीक है? तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट देगा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस सिर्फ माइनस करना है। अच्छा सर, अगर नेट प्रॉफिट देगा तो आपको नॉन ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग करना है, क्यों समझते हैं इसको, चलिए।
सपोज करो मैं यहां पे एक आपके लिए ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाता हूं। यहां पे हमारा है ट्रेडिंग, ठीक है। यहां लिखा हमने सेल 1,000 रुपए, यहां लिखा परचेज 200 रुपए, यहां पे वेजेस वगैरह सब आ जाएगा जी सर 100 रुपए, ये जीपी निकल गया आएगा। क्या आएगा बताओ जीपी? अरे बोलो ना क्या आएगा जीपी? जीपी आएगा 700 रुपए, और बाय साइड में लिखेंगे जीपी। जीपी कितने लिखेंगे? 700 रुपए। यहां पे आ गया मेरा डिविडेंड, डिविडेंड 300 रुपए। यहां पे आ गया हमारा कमीशन, या डिविडेंड रहने देते हैं कि आइटम। इधर लिखा मैंने सैलरी 200 रुपए, इधर लिखा मैंने इंटरेस्ट 50 रुपए। अब बताओ नेट प्रॉफिट है? सर नेट प्रॉफिट तो बढ़ गया इसका, 750 रुपए आ गया नेट प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया। या तो आप इसको लेके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालिए, या इसको लेके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालिए। अगर इसको लेके करेंगे तो इसमें से सिर्फ उन्हीं चीज को घटाओ जो बिजनेस के खर्चे हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो इसमें से मैं क्या घटाऊं, इस 700 में क्या घटाऊं? बिजनेस के खर्चे हमारे सैलरी हैं, तो 700 में मैं क्या करूंगा? 700 में से मैं सिर्फ 200 माइनस करूंगा, जो कितना आ गया हमारा? 500 आ गया। तो यही तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर दूसरा तरीका, अगर मैं नेट प्रॉफिट पिक करता हूं तो इसमें से उन चीजों को हटा दो जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इंटरेस्ट को हटा दो, क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं हमारा खर्चा, और हमने पीएनएल के डेबिट में दिखा रखा है, तो इसको हटाना होगा। डिविडेंड को हटा दो, ये इनकम ही नहीं है। तो इनकम हमने ज्यादा जोड़ा हुआ है, तो इनकम को माइनस करो। खर्चा मैंने ज्यादा माइनस किया हुआ है तो उसको प्लस करो। तो कैसे करेंगे? 700, तो कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे, दिख रहा है आपको यहां तक? बिल्कुल ठीक। 750 मैं इसमें प्लस करूंगा खर्चा 50, माइनस करूंगा इनकम 300। तो देखो 800 क्या आंसर आया हमारा, 500 ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें या नॉन ऑपरेटिंग की एक्सपेंस की हम बात करें, तो क्या हमें क्लियर है यहाँ पे ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग? हमें नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंस पता चल गया। तो ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर COGS प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। सर एक बात और मैं अगर बोलूं, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये भी हो सकता है क्या बताओ? 100 माइनस में ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रेशियो, बिल्कुल ये भी हमारा हो सकता है। 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो माइनस करना, पहले क्या था? 100 में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करना, अब क्या है? 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो को माइनस करना, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या तो आप ग्रॉस प्रॉफिट को लेके निकालोगे या नेट प्रॉफिट को लेके निकालोगे। अगर ग्रॉस प्रॉफिट को लेके निकालोगे तो सिर्फ इसमें से एक ही चीज माइनस करना है, वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैंने समझा दिया कि क्यों। अगर आप नेट प्रॉफिट को लेके करोगे तो आपको दो चीजें इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस और एक्सपेंस को करना पड़ेगा प्लस, तब कहीं जाके रिजल्ट आएगा। सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? डिविडेंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। एक्सपेंस क्या होता है? हमने लास्ट वाले रेशियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया है एक्सपेंस का, कि वो खर्चे जो बिजनेस के चलाने के लिए आवश्यक नहीं है और वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं होता। जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसके आगे रेशियो देखेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फटाफट से इसको एक बार नोट करिए। हाँ जी बच्चे, अगला रेशियो है हमारा, कितने हो गए थे? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, चार हो गए, नंबर 5।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है। सर इसका रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू में 100। ये क्या बताता है कि जो मालिक ने, जो ऑनर ने, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट से मतलब है यहाँ पे आपका कैपिटल, कैपिटल। सर कैपिटल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कुछ नहीं बोला जाता, तो आपका यहाँ पे कैपिटल का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा सर, यानी कैपिटल इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड। हाँ बच्चे, शेयर होल्डर फंड बोल सकते हैं, कई जगह पे अलग अलग थोड़ा सा मीनिंग निकलता है, तो हम जैसे जैसे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स, क्या सर हम इसको बोल सकते हैं पीबीटी? बिल्कुल, सॉरी पीबीआईटी, बिल्कुल पीबीआईटी भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है सर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है अभी देखते हैं। एग्जामिनर आपको, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे बिफोर टैक्स बताते हैं, आपने नोट किया था ना अच्छे से, तो आपको याद होगा, फिर भी मैं लिख देता हूं। आपको हमेशा एग्जामिनर नेट प्रॉफिट देगा, तो जब भी नेट प्रॉफिट देगा तो आपको मानना है, मानना है, क्या मानना है? ये आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है, तो आपको नेट प्रॉफिट देगा तो आफ्टर टैक्स, तो आपको बनाना क्या है? बिफोर, तो आपने लिखना है आफ्टर टैक्स है। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे होगा? यानी ई बी आई टी कैसे निकालेंगे? अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस, जो चीजें हमने माइनस की थी उसको प्लस करते जाएंगे। प्लस करिए सबसे पहले टैक्स, उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद अब प्लस करिए आप क्या? इंटरेस्ट। अच्छा सर, हाँ जी, आपको याद हो तो आपने यही करा था, ईबीआईटी आया था आपका, इसमें से माइनस करा था आपने इंटरेस्ट। हाँ सर, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपका आया था ईबीटी, बिल्कुल सर ईबीटी आया था, इसमें से माइनस किया था आपने टैक्स, बिल्कुल, और इसके बाद रिजल्ट क्या आया था आपका? ई ए टी। तो एग्जामिनर आपको हमेशा ई ए टी ही देगा, आपको निकालना क्या है रिवर्स करके। तो सबसे पहले इसमें क्या ऐड करोगे? जो चीजें माइनस कर रहे हो इसमें ऐड करो, और जो चीजें यहां पे माइनस कर रहे है तो दोनों चीजें ऐड, लेकिन पहले टैक्स का पॉइंट होगा, तो इसमें पहले हम टैक्स को ऐड करेंगे यहां पहुंचेंगे, इसके बाद हम इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो हम यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? बिल्कुल सर, एक एग्जाम्पल बता दो फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो लो एग्जाम्पल, हमारा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारा है, नेट प्रॉफिट लेते हैं हम मान लेते हैं 5,000, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर रुपीज 1 लाख, 10,000, टैक्स रेट, टैक्स रेट, या हम इसको ना प्रॉफिट को ना एक काम करते हैं ना 7,000 मानते हैं, ठीक है ना, टैक्स रेट 30%, कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, कैलकुलेट, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो,
अच्छा, फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि आपको अगर रिटर्न ऑन कैपिटल निकालना है तो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए क्या करना है, पहले टैक्स को प्लस करिए, फिर आप इंटरेस्ट को प्लस करिए। तो बेटर है कि हम क्या करें, पहले टैक्स प्लस करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले निकालना पड़ेगा मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय टैक्स रेट। ठीक है, चलो निकालते हैं। सर इसका मतलब 7,000 डिवाइडेड बाय टैक्स रेट क्या है, 30 इंटू में 100, यानी सर 70,000। बिल्कुल ठीक, 70,000 रुपये। 70 आएगा, कितना आएगा दोबारा चेक करो एक बार। 70 आएगा, क्या आएगा, 3, सॉरी 30% है ना, ये होगा हमारा 100 माइनस में टैक्स। ठीक है, ये होगा 100 माइनस में टैक्स, तो 7,000, 100 माइनस में टैक्स कर दोगे तो क्या आएगा, 70। 70 कैसे, 100 माइनस में 30 टैक्स, तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा आंसर 10,000। चलो इसके बाद एक स्टेप यहां तक निकाल लिया, इंटरेस्ट ऐड करना है। इंटरेस्ट क्या है, अगर आपको दे रखा है 10% डिबेंचर 10,000, तो इंटरेस्ट 1,000 रुपीज, देन इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,000। तो ये क्या निकाला हमने, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,000। क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाला जा सकता है। हमारा है आरओआई, आरओआई इज इक्वल टू 10 11,000 डिवाइडेड बाय 11 होगा, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, वो 11 होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, 11,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल, कैपिटल क्या है, 1 लाख, 1 लाख इंटू में 100। बताइए क्या आया, जल्दी जल्दी बताइए, ये आया 3 0 से 3, ये लो आ गया 11%। क्या बात, आपको समझ में आई कैसे निकालेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू में 100। अरे सॉरी, यहाँ पे डिवाइडेड बाय सेल्स लिख दिया है, गलती हो गई, सेल्स नहीं लिखना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय कैपिटल लिखना है। आप भी सोच रहे होगे सर सुन ही नहीं रहे मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, कैपिटल एम्प्लॉय, कैपिटल या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सेल्स गलती से लिख दिया, आपको इसे ठीक करना है, कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड मानना है। चलिए अब हम समझेंगे सर कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये तो पता है, उसके बारे में देखेंगे। पहले इतना सा नोट करिए, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, फिर मैं कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड बताता हूँ। जल्दी जल्दी नोट करिए, साफ साफ से नोट करना है आपने। कर लिया नोट जी सर, चलिए मिटा दूं। हाँ जी चलिए समझते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है मालिक का पैसा, मालिक का पैसा। अब ये अलग अलग सिचुएशन में मैंने बोला अलग अलग होता है, जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे तो वहां पे थोड़ा सा कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कभी कुछ और होता है, यहाँ पे कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कुछ और होता है। वहां पे कैपिटल में डेट को भी जोड़ दिया जाता है, यहाँ पे कई बार अकाउंट्स में जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता। तो मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है आपका। कैपिटल एम्प्लॉयड होगा हमारा, ये मैं एक बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ, ये लाइबिलिटी है, ये एसेट है, ये अमाउंट, ये अमाउंट, यहाँ एक फिक्स एसेट से मान लेते हैं 5 लाख, करंट एसेट से मान लेते हैं 3 लाख, इन्वेस्टमेंट है मान लेते हैं 2 लाख। ये वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब, इन्वेस्टमेंट जो मालिक ने बिजनेस में लगाया है, जो लाइबिलिटी में कैपिटल लगाया है, वो है कैपिटल। दे दिया, सब कुछ जुड़ा हुआ है 3 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे दिया, लॉन्ग टर्म लोन दे दिया,
2 लाख, करंट लाइबिलिटी दे दिया तो 8 और 2 10, बैलेंसिंग फिगर करंट लाइबिलिटी, इसको थोड़ा ज़्यादा करते हैं, ये कर देते हैं 5 लाख। अच्छा नहीं लग रहा ना, इसलिए ऐसे कोई वो नहीं है, 3 लाख, चलो इसको 4 कर देते हैं, और इसको 1 लाख, ठीक है 10 लाख। मैंने बोला कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इन दोनों का जोड़ जो होता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा इसका मतलब क्या सर, इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी भी ऐड होगा? बिल्कुल नॉन करंट लाइबिलिटी, लेकिन अगर आपको नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं दे रखा तो इससे ही हम काम चला लेंगे, ठीक है। इसका मतलब सर, कैपिटल एम्प्लॉयड इजिकल टू शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लाइबिलिटी, बिल्कुल सही। और क्या हो सकता है, और आप सोचो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? सर कैपिटल एम्प्लॉयड 9 रुपए है, 9 रुपए। अगर मैं टोटल एसेट्स में से अगर मैं करंट लाइबिलिटी को माइनस करूं तो कितना बचेगा? फटाफट से जवाब दो, कितना बचेगा, कितना बचेगा? अगर मैं इस टोटल में से करंट लाइबिलिटी माइनस करूं कितना बचेगा? सर इसका तो आंसर 9 लाख, तो 9 लाख ही तो बचेगा, 9 लाख ही तो बचेगा। इस 10 लाख में से, टोटल एसेट्स में से अगर मैं सिर्फ इसको माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? 9 लाख। यानी और हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो सकता है, टोटल एसेट्स हो सकता है क्या माइनस में करंट, करंट लाइबिलिटी। तो ये दो फॉर्मूले हमारे किस चीज के हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को बस समझने का। अगर आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं दे रखा ना तो आप कैपिटल से ही काम चला लोगे। तो अभी क्या देखा हमने, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम आरओआई भी बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे बनाया जाए, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे। अब फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी चलो इसके अंदर पॉइंट्स मैं बना देता हूं, आपको जीवन भर काम आने वाला है। इन दोनों को मिला दिया जाए, सब दिख नहीं रहा, चलो दूसरा मार्क कर लेते हैं। इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल डेट, टोटल डेब्ट, ओके सर समझ गए, टोटल डेब्ट इन दोनों को मिला दिया, इन सबको मिला दिया जाए तो टोटल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, बाकी तो आपको पता है अच्छे से। और इन दोनों को अगर माइनस किया जाए, फर्स्ट क्लास में किया था, सॉरी इन दोनों को माइनस किया जाए तो क्या होगा हमारा वर्किंग कैपिटल, क्या 3 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 लाख रुपए, जो कि क्या होगा हमारा सर वर्किंग कैपिटल होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब जल्दी जल्दी नोट करिए, फटाफट से नोट करिए आप। जल्दी जल्दी नोट करना है, बस रेशो खत्म होने वाला है, बस खत्म होने वाला है रेशो, कर लिया नोट। चलिए अगले कुछ रेशो हमारे, अब देखोगे आप तो वहां पे मैंने ईपीएस समझाया था, तो वो अब आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा थोड़ा समझने में। अब हम निकालेंगे नंबर 6, डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर रेशो, डिविडेंड पर शेयर, इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी, ये हो गया हमारा डीपीएस, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो डिविडेंड क्या होता है, याद है ना डिविडेंड क्या कहते हैं? सर भूल गए, चलो ईबीआईटी, इसमें से पहले क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ठीक है, इसमें से क्या माइनस करोगे सर, फिर टैक्स माइनस करेंगे, ये भी कोई बताने वाली चीज है, तो अभी क्यों बोला भूल गए, ये लो ये आ गया ईएटी। हाँ जी सर, ये सारा पैसा, वैसे प्रेफरेंस शेयर हुआ तो पहले प्रेफरेंस शेयर, नहीं तो ये सारा पैसा होता है। इसमें से अगर मैं कुछ पैसे बचा लूँ, जो पैसे मैं बचा लूँ, अगर मैंने बचा लिया,
तो वो हो गया रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग। और जो पैसा शेयर होल्डर ले ले उसे बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। और कई बार आपको इक्विटी शेयर का प्राइस नहीं देगा कि कितने का है, तो आप हमेशा याद रखिएगा इक्विटी शेयर ऑलवेज आपको मानना है कि 10 रुपए का होगा और डिबेंचर 100 रुपए का, ये मान के चलना है। ठीक है सर, ये समझ गए। अगला कौन सा होगा? अगला होगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं थोड़ा, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगला प्राइस, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। अगला देखते हैं हम प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है हमारा? प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग, अर्निंग डिवाइडेड बाय ईएटी इनटू 100। ये आ गया मार्केट प्राइस शेयर का। क्या होता है जो हमारा शेयर का जो मार्केट में भाव चलता है ना, शेयर मार्केट में मार्केट प्राइस, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर हमेशा देगा। और डिवाइडेड बाय क्या करना है आपने? ईएटी करना है। ईएटी कैसे निकलेगा वो आपको अच्छे से पता है। तो ये क्या होगा हमारा? प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमने, डिविडेंड कैसे निकलता है, इक्विटी कैसे है, ईएटी ईपीएस कैसे निकलता है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो इसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन होगा, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ये दे देगा और आपसे ये पूछ सकता है। इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है? ये कनेक्शन है, कहीं ना कहीं से आपको निकलवा सकता है। सपोज करो ये दे दिया मार्केट प्राइस दे दिया और नंबर ऑफ शेयर दे देगा, बोलेगा आप निकालो अर्निंग पर शेयर, तो निकालना पूछा जा सकता है। इन दोनों आपस में कनेक्टेड है। चलो, और कोई भी रेशो है? नहीं, बस रेशो इतना है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ रेशो बीच में छुड़वा दिए थे, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्यों छुड़वाया था अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको नोट करो आप अच्छे से। इसमें कुछ चीजें मुझे नोट लिखवाने वाली बात नहीं है, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल में जाएंगे। इसको नोट करिए पहले फटाफट से, आप जल्दी जल्दी नोट करिए आप। कर लिया, ठीक है। और रेशो है वो है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसी का, इसका पार्ट नहीं है वैसे, ये वाला जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब हमारे प्रॉफिट का कितना हिस्सा कवर करता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे होगा? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑन, बताइए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किस पे होगा? लॉन्ग टर्म हम किस पे निकालेंगे हमेशा? आपको याद रखना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो निकलेगा वो हमेशा होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो क्या बता सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे होगा? यानी ई बी आई टी। किसी को दिक्कत? प्रॉफिट इंटरेस्ट ई बी आई टी आपके लिए कोई नई बात नहीं है कि ई बी आई टी आप कैसे निकालोगे, और उसके बाद फिर हम इजीली कर सकते हैं। ई बी आई टी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग इनटू में 100, ये आएगा हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो देखो बच्चे, मैंने वहां पे इसलिए छुड़वा दिया था क्योंकि ईबीआईटी आज आपको अच्छे से समझ में आया कि सर ईबीआईटी क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो आपको अच्छे से पता है, तो यहाँ पे इजीली, वहां पे ईबीआईटी बताने का कोई मतलब नहीं था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे आपसे डिस्कस किया है। इसके बाद और क्या करेंगे? और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे अब हम, ठीक है।
तो हमने कितने रेशियो कर लिए, हमने कर लिया नेट ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में सेल्स, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग सीओजीएस प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स, सबके डिवाइडेड बाय सेल्स थे। उसके बाद आपका सेल्स हट गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेसिकली देखा जाए तो, आपने जितना पैसा लगाया है मार्केट में, इन्वेस्ट किया है, उस पर कितने परसेंटेज आपको वापसी मिलता है बिना इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस किए हुए, तो वो क्या होता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक बार इसको अच्छे से साफ साफ नोट करिए, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे और जो भी नेसेसरी फॉर्मूला है वो वहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे। एक बार अच्छे से आप इसको क्या करिए, नोटिंग करिए, ठीक है? चलिए फटाफट नोट करिए।